क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सिंह है। कहाँ से आए थे आप? मैं पोखरी से। पोखरी से आए थे? तो दौड़ हो गई आपकी? दौड़ हो गई। कैसी चल रही है दौड़? दौड़ का तो ये सीन है कि अब तुम्हारी टाइमिंग कितनी ले रहे? 5 मिनट 5 सेकंड 5 मिनट 10 सेकंड 5 मिनट 10 सेकंड। हाँ, और 5 मिनट 40 सेकंड वैसे होता है। वैसे होता है। तो कितने लोग दौड़ा रहे हैं एक साथ? 300 का ग्रुप है। 10 12 15 10 12 15। भर्ती कैसी चल रही है? ठीक चल रही है क्या? अब इस हिसाब से आप ही लगा लो कैसी चल रही होगी। बेकार है मतलब भर्ती? हाँ, वही सोचेंगे। आपका क्या नाम है? परवेश सिंह सर। क्या टाइमिंग क्या था दौड़ का? टाइमिंग वही 5:04 पे क्लोज कर दिया था पूरा ग्रुप। 5 मिनट 4 सेकंड में, जबकि 5:40 होता है। हाँ, 5:40 होता है सर। एक साथ कितने लोग दौड़ा रहे हैं? इससे पहले जाते थे 60-70 अंदर जाते थे, अभी तो 10 भी नहीं जा पा रहे ढंग से, 8-7 इतना है बस। कितने लोग दौड़ रहे हैं? 300 में से खाली 8। 300 में से 8, 9, 10। हाँ हाँ जी। तो भर्ती कुल मिला के कैसे लग गया आपको? बहुत बेकार व्यवस्था है सर इधर। बहुत सरकार मुर्दाबाद। अब भर्ती में कोई आएगा भी नहीं, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आपकी बार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं YouTube चैनल कानून अग्नि लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कोटद्वार में अग्निपथ के अग्निवीर भर्ती चालू है और आज कहीं ना कहीं चमोली की भर्ती थी और आज सुबह से ही बच्चे दौड़ने के लिए मैदान में चले गए थे। बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा किस प्रकार की भर्ती कोटद्वार में अग्निपथ के अग्निवीर की हो रही है। पेरेंट्स मेरे साथ आइए, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन्द्र सिंह मेहरा है जी। कहाँ से आए सर? मैं चमोली गैरसैंण से आया हूँ। किन को बच्चा है आपका? मैं बालक को लेके आया था यहाँ पर, और भी गाँव के लड़के थे उनको लेके भी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो क्या लगा आपका, बालक की दौड़ हो गई? दौड़ अभी है, होने वाली है, लेकिन जिस हिसाब से ये अग्निवीर की जो ये योजना चल रही है सरकार के द्वारा, मेरे को नहीं लगता कि इसमें बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 300 बच्चों में से मात्र 3 बच्चे 9 बच्चे ये सिलेक्शन कर रहे हैं दौड़ में। तो कौन सी योजना है जो बच्चों के साथ 300 बच्चों में से 3 बच्चे 9 बच्चों को निकाल रहे हैं? अगर जिस हिसाब से अग्निवीर की भर्ती थी और लड़कों का उत्साह था कि चलो यार 4 साल की नौकरी सहित कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, लेकिन कम से कम 300 बच्चों में से 50% बच्चों का तो सिलेक्शन होना चाहिए। जब सबको सरकार कह रही है कि सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, तो ये कौन सा अवसर है कि 300 बच्चों में से मात्र 3 बच्चे 4 बच्चों 5 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा? ये कौन सा रोजगार देना चाहती है सरकार? जिस हिसाब से सरकार पूरे प्रदेश भर में अपना ढंडोरा पीट रही थी, अपने सांसदों को अपने विधायकों को लगाया था कि इस योजना के बारे में लोग जनता को समझाए, युवाओं को समझाए, ये उनके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। ये 300 बच्चों में से 3 बच्चे 4 बच्चे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, कौन सी योजना है? कौन से 5 मिनट 40 सेकंड का समय है, जो लोग बच्चे उसमें आएंगे तो वो सब सेलेक्ट होंगे, ऐसा तो है ना? अभी क्या मतलब टाइमिंग क्या चल रहा है? झूठ बोल रहे हैं। 5 मिनट और 9 सेकंड के अंदर ये क्लोज कर दे रहे हैं। 5 मिनट 9 सेकंड के अंदर ये खाली चूते बना रहे कि 5 मिनट कुछ सेकंड 5 मिनट 9 सेकंड से पहले ये क्लोज कर दे रहे हैं। जो बच्चे उसके अंदर आ पा रहे हैं, 2-3 बच्चे उनको ले रहे, बाकी को बाहर कर दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। अग्निपथ योजना कुल मिला के बंद होनी चाहिए, युवाओं की जिंदगी के साथ ये छलावा है और पूर्व की तरह। लेकिन बहुत सारे 60,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं उत्तराखंड इधर, इस अगर बात की जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 60,000 से ज़्यादा नहीं, 9,000 कुछ तो केवल चमोली डिस्ट्रिक्ट के हैं। उत्तरकाशी में 63,000 कुछ अभी मैं देख रहा था कि आवेदन किए हैं, कुल मिला के 1.5 लाख लड़कों ने कुल मिला के उत्तराखंड के अंदर आवेदन किया है। और अभी चमोली के अंदर 9,000 कुछ बच्चे थे, मैं लग रहा हूँ कि ज़्यादा 30-40 जिस हिसाब से ये दौड़ कर रहे हैं और लड़कों का सिलेक्शन कर रहे हैं, 30-40 लड़के से ज़्यादा 9,000 में से नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आगे और भी बच्चों से हम जानकारी लेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे कि क्या कुछ इस समय चल रहा है, जो बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं वो क्या टाइमिंग चल रहा है, क्या समय है। 5 मिनट 40 सेकंड का समय हमें पता था कि ये 1600 मीटर की दौड़ में 5 मिनट 40 सेकंड का समय होता है, इस समय क्या समय चल रहा है, किस प्रकार से बच्चे दौड़ रहे हैं और अग्निपथ के अग्निवीर की जो पहली भर्ती उत्तराखंड में है, बच्चे उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी जानकारी हम लेते रहेंगे। अभी दौड़ लगाकर यहाँ पर आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या किस प्रकार की भर्ती चल रही है। क्या नाम है आपका? सुखदेव। कहाँ से आए थे? चमोली से। चमोली से। तो कैसी रही दौड़? दौड़ ठीक ही थी, पर 300 बंदों में से बस 10 ही बंदे उन्होंने लिए। 300 बंदों में से 10 बंदे ले रहे हैं। और टाइमिंग 5:12 की दे रहे, बताओ। 5:12 की टाइमिंग, 5:40 के समय होता है। हाँ, 5:40 5:12 का दे रहे हैं। तो भर्ती का क्या अनुभव रहा, बेकार या अच्छा? बेकार ही रहा, रात भर पसीने पसीने, वहाँ धूप गर्म इतनी हो रही थी, वहाँ भी धूप पे उन्होंने आधे घंटे रखा भयंकर। कितने बजे वहाँ बैठा दिया था? रात को बैठा दिया था 12 बजे, और सुबह 7-8 बजे तक पूरा ऐसे घपला रहा, बहुत सारे बंदे थे। अच्छा, और एक साथ कितने लोगों को दौड़ा रहे थे? एक साथ 300 लोगों को दौड़ा रहे थे। 300 में सिर्फ 10 या 8 ले रहे थे। 10 या 8। और समय वही था, 5:12 5:16 बस इतना ही था। पाँच बारह पाँच सोलह
तो दोस्तों कहीं ना कहीं अग्निपथ के अग्निवीर की जो पहली भर्ती है और आज पहली दौड़ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट की भर्ती आज से शुरू है और जिस प्रकार से बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं, लगातार हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो समय है, समय जो 5:05:40 का जो समय होता है उसको घटाकर 5:05:10 इस प्रकार से बच्चे बता रहे हैं और ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और बड़ी परेशानियों से भर्ती के लिए आते हैं और सोचते हैं कि देश का भविष्य बनेंगे और कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो भारत की रक्षा करेंगे उसके लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र। कहाँ से आए थे सर? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से जी। दौड़ हो गई? नहीं, हमारे आज है, कल होगी, कल सुबह कल होगी दौड़ जी। अच्छा, दौड़ किस किस की हुई है? दौड़ आपके हो गई? दौड़ चमोली वाला। यहाँ है दौड़ वाले, ये बच्चे ये है, दौड़ लगा के आए। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। कहाँ से आए थे? चमोली से। चमोली से जी सर। प्रॉपर चमोली या? चमोली दसोली ब्लॉक से। अच्छा, कितना दूर पड़ता है ये? होगा यहाँ से 200-250 किलोमीटर, 250-100 किलोमीटर। हाँ, पैदल भी चलना पड़ता थोड़ा? जी सर। हाँ सर, पैदल चल के आए यहाँ पर, ग्राम बहुत मेहनत से आए होंगे। 8 किलोमीटर पैदल चल, मेहनत से आए जी सर। तो कैसी रही दौड़ का अनुभव? कैसा रहा दौड़ का अनुभव? तो सही था, पर फिर भी टाइम उन्होंने कम रखा है। टाइम कम रखा है? हाँ, बंदे कम ले रहे हैं इसलिए। अच्छा, कितना टाइम कितना रखा था? 5:10 पे पूरे ग्रुप क्लोज कर दे रहे हैं। 5:10 पे कर दे रहे हैं जी सर, जबकि 5:40 होता है। 5:40 में जितने बच्चे आते हैं उनको अंदर लिया जाता है जी सर, लेकिन ये 5:05:10 का समय ले रहे हैं, जो कहीं से सही नहीं है जी सर। है ना जी सर। तो क्या लग रहा है आपको, कैसी है भर्ती, कैसे चल रही है भर्ती का? तो निराशाजनक है बहुत। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा सर, बहुत, बिल्कुल भी नहीं। एक ग्रुप में जितने पहले लेते थे उस हिसाब से बहुत कम ले रहे हैं। तो बहुत दूर से आए हैं, बहुत मेहनत आपकी वो हो गई है जी सर। आपका नाम क्या है? संदीप सिंह। दौड़ हो गई? दौड़ तो हो गई सर। कैसा रहा? बस कहाँ रहा, ठीक ही कहेंगे, जब वो नहीं हो पाया दौड़ निकाल लिया था, पर लेकिन समय कम रहा। समय कितना था? समय यही 5:10:15 के बीच हम पहुंच गए, 20:25 के बीच हम भी पहुंच गए थे, लेकिन 20 पे पहुंच गए थे आप, लेकिन 5:10 का समय है। हाँ, क्लोज कर दिया था उन्होंने। कितने बच्चे दौड़ा रहे हैं एक साथ? एक साथ 300 दौड़ा रहे हैं। 300 बच्चे दौड़ा रहे हैं? हाँ, उसमें से 15 से कम ही ले रहे हैं। 15 से कम बच्चे ले रहे हैं? हाँ, मतलब 10 और 15 के बीच है, किसी में 8-9 ले रहे थे, पर हमारे वाले में 13 लिए ज्यादा से ज्यादा। तो इससे पहले भी गए थे भर्ती में कभी? हाँ, इससे पहले भी यहीं आए थे। तो वो उस भर्ती में और इस भर्ती में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कैसा? उस भर्ती में सही था, उस भर्ती में ज्यादा लेते थे लोंडे, पर टाइम भी मिलता था उस समय, भले हमारी तैयारी उस समय अच्छी नहीं थी, इस समय उस बेहतर अच्छा क्या, पर वो नहीं रह पाया। पहली वाली भर्ती होनी चाहिए या यही वाली भर्ती जो चल रही है? पहली वाली होनी चाहिए। ये भर्ती कहीं से भी सही नहीं है? ये भर्ती नहीं है कहीं से भी सही। बेवकूफ बना जा रहा है बच्चों का। हाँ सर। तो देखिए कि बच्चे किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो पहली वाली भर्ती हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भर्ती थी और ये भर्ती कहीं ना कहीं बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं दोस्तों बता दूं कि जब पहले यहाँ पर भर्ती हुआ करती थी तो मीडिया को भी यहाँ पर अलाउ किया जाता था, लेकिन इस बार मीडिया को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, कोई भी वीडियो या कोई भी वीडियोग्राफी वहाँ पर करने नहीं दी। और जब मीडिया अंदर नहीं जाएगी तो किस प्रकार से जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचेगी? फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अग्निपथ की अग्निवीर जो ये भर्ती जो पहली भर्ती है कोटद्वार में हो रही है, लगभग 60,000 से ज्यादा आवेदन इस भर्ती के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं बच्चे बस यही सोचकर आए कि चलो कोई बात नहीं, 4 साल के लिए ही सही फौज की सेवा करेंगे और आगे आकर शायद कुछ पैसे हमारे पास होंगे तो उससे अपना भविष्य हम डेवलप कर पाएंगे। और बच्चे हैं यहाँ, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चे लगातार आ रहे हैं, आप भी दौड़ चुके हैं, और कोई बच्चा दौड़ा बता दीजिए, कोई दौड़ा हो जिसका अनुभव हो। ये बच्चे यहाँ पर दौड़ कर आ रहे हैं और दोस्तों लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, वो जानकारी देंगे जो बच्चे दौड़ हो गई। भाई आपकी ना। आप लोगों की दौड़ हो गई? नहीं, दौड़ नहीं हुई। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, जानकारी लेते रहेंगे और जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनसे बातें करते रहेंगे। बच्चे यहाँ पर दौड़ कर आ रहे हैं और बच्चों से हम जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से भर्ती चल रही है, किस प्रकार से दौड़ है, क्या समय है, क्या कुछ उन्हें लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित पासवान। चमोली से आप? हाँ जी, चमोली से। चमोली प्रॉपर चमोली है या गोपेश्वर? और गोपेश्वर निजमुला वैली। पैदल भी चलना पड़ता है? हाँ जी, पैदल चलना पड़ता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। 2000 किलोमीटर से आए आप? बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं। क्या उम्मीद लेकर? 2000 तो किराए में चलेगा हमारा खर्चा पानी, फिर 5000 तो खर्चा यार हमारा। अच्छा हाँ जी। तो दौड़ कैसी रही, क्या अनुभव? दौड़ में इस साल तो दौड़ को क्या ही बताएं, पहले से बहुत कम थी। इस साल लगभग 5:17 पे क्लोज कर दी और लास्ट 13-14 बंदे लिए उन्होंने। बच्चे कह रहे कि 5:10 पे? हाँ, 5:10 पे किसी ग्रुप में, और एक ग्रुप में 300 बंदे में से लगभग मिनिमम 13 बंदे सब ज़्यादा लिए उन्होंने, 8-13 ऐसे 10 बंदे ऐसे ले रहे उन्होंने।
तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अग्निवीर में ये था कि कई पोस्टें आ रही थी, लेकिन ये तो नाइंसाफी है हर किसी के साथ। लेकिन हम उतनी दूर से आ रहे हैं फिर भी तो बड़ा दुख हुआ। ये तो देख के ना, ये बताओ कि पहले भी आप भर्ती में गए थे? पहले तो नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम आए। लेकिन जो पहले वाली भर्ती थी वो अच्छी थी या ये? वो पहले वाली भर्ती थी अच्छी थी। अग्निवीर में मज़ा नहीं आया इस बार। मज़ा नहीं आया। तो ये सरकार क्या बेवकूफ़ बना रही है लोगों का? हाँ, बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ बना रही है। और 5-17 में रेस क्लोज और 13 बंदे ले रहे 300 में से। आप देख ही सकते हैं 5:30 लगभग टाइमिंग है। 5:30 का टाइमिंग? हाँ जी, हाँ जी। 5:40 का टाइमिंग है? 5:40 लगभग टाइमिंग है। बट उन्होंने 5:17 पे क्लोज कर रहे हैं। और देखिए पहले रेस निकाला था यहाँ पर, देखिए पहले रेस निकालने वाले हैं। अच्छा अच्छा, आइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह जी, चमोली से आए हैं आप भी? हाँ, चमोली से आए। कितनी दूर गाँव कितने दूर है? हाँ जी, चमोला के बोली गए। कितना पैदल कितना चलना पड़ता है? 17-18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अच्छा, आज आपने दौड़ मार दी है आर्मी के लिए, क्या समय था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गलत है। अग्निवीर की भर्ती पहले की भर्ती अच्छी थी। पहले गए थे आप पहले भर्ती में? हाँ, पहली भर्ती। रेस निकाल रखी है? रेस निकाल रखी है। हाँ, मेडिकल में बाहर। वो यहाँ पर रेस नहीं कर पाए? नहीं। तो क्या वहाँ पर कैसा था और यहाँ पर कैसा है? पहली भर्ती अच्छी थी, ये अग्निवीर की भर्ती बहुत खराब है। क्या समय रहता था? मतलब 5:40 इतने तक। और यहाँ पर? यहाँ है 5:10-15 इतने। 5:10-15 मैक्सिमम 15। हाँ। तो कितने बच्चे दौड़ रहे थे एक साथ? 300 दौड़ रहे थे। पहले 250 दौड़ रहे थे वो। पहले 250 फिर 300 कर दिए। हाँ। अच्छा, और उसमें कितने बच्चे ले रहे थे? उसमें ले रहे थे 50-60 के। 50-60। हाँ। कई कह रहे हैं कि 30 ले रहे थे, कई कह रहे हैं 40-50 पहले वाले में। हाँ। तो वो वाली भर्ती अच्छी थी या ये वाली भर्ती? ये वाली भर्ती अच्छी है। ये वाली खराब है, अग्निवीर वाली ये बेकार है। हाँ। वही भर्ती होनी चाहिए। हाँ। वही भर्ती। तो सरकार क्या बेवकूफ़ बना रही है या अग्निवीर? हाँ, बेवकूफ़ बना रही है हमको। बेवकूफ़ बना रही है हमको। तो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ पर? नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, ये भाई जो पिछली भर्ती में ये रेस क्वालिफाई कर चुके थे और इस तीन भर्तियों में लास्ट भर्ती थी भाई की, लास्ट भर्ती। और कितना मायूस ये भाई होंगे। और कम से कम 17-18 किलोमीटर इन्हें चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, पैदल गाँव से आना पड़ता है। और तीनों भर्तियों में रेस ये क्वालिफाई कर चुके हैं और मेडिकल में सिर्फ ये रहे थे और यहाँ पर ये रेस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। 5:40 का जो समय। क्या नाम है आपका? आजा सिंह। कहाँ? चमोली से ही? चमोली जी। बोला कैसी रही दौड़? दौड़ बहुत गंदी। कैसे? इससे पहले 5:40 तक ले रहे थे। इस बार तो मेरी पहली भर्ती है। अच्छा। और इस बार कह रहे 5:07-10:12 में क्लोज कर रहे रेस। 5:10-12 में? हाँ। कितने बच्चे दौड़ा रहे थे एक साथ? 300 बच्चे। 300 बच्चे इतने ज्यादा भीड़ में? 300 बच्चे, 13 सबसे ज्यादा 13 ले रहे थे। 10 हमारे ग्रुप में 10 या 11 लिए इन्होंने। 10-11 और सबसे ज्यादा 13 बच्चे। तो वो वाली भर्ती अच्छी थी या ये वाली भर्ती अच्छी है? अब वो तो मुझे, मेरे हिसाब तो वही वाली भर्ती अच्छी थी। उसमें तो 40-45 तक तो लेते ही थे, कह रहे थे भैया लोग। अब मेरी तो पहली भर्ती है और इसमें तो 10-12 ले रही है। कितना दुख हुआ? बहुत दुख हुआ। कितने दूर से आए हो? कितना खर्चा कितना हो गया? कम से कम यहाँ तो अभी तक मेरे तो 7-8 हज़ार खर्चे हो गया। 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो गया? हाँ। रूम ले रखा है वहाँ, रूम ले 2-3 दिन से यहीं पड़े हैं। और उसके बाद 5:10 में निकाल दे रहे हैं? 5 मिनट 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड। पूरी जिंदगी लाइफ लाइफ बर्बाद। उतने दूर से हम गाँव से यहाँ आ रहे गोपेश्वर रूम लेके तैयारी करने आते हैं। दौड़े? मैं ही दौड़े। क्या अनुभव क्या रहा? अनुभव मेरी भी लास्ट भर्ती थी। लास्ट भर्ती थी। तो कैसा अनुभव रहा? पहले भी दौड़े थे आप? पहले वाली जो भर्ती हुआ करती थी वो अच्छी थी या ये अच्छी है? पहली वाली अच्छी हुआ करती, टाइम भी अच्छा देते थे उसमें और बंदों को लगता था हम निकाल देंगे। इस बार ये उम्मीद थी कि 4 साल में ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 2-2.5 साल बाद आ रही भर्ती और हम तैयारी भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। लॉकडाउन से भी लड़के शाम सुबह तीनों टाइम दौड़ने जाते और यहाँ पे आए, यहाँ पे रात को भी कुछ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था तो थी नहीं। रात को भी गर्मी में हल्ला वगैरह हुआ और उसी चक्करों में इन्होंने रात भर्ती भी एकदम नॉर्मली कराई। ऐसा लगा नहीं कि कुछ अग्निवीर की हो रही हो या स्पेशल भर्ती हो, स्पेशल प्रकार से इन्होंने ढिंडोरा पीटा था उस प्रकार से नहीं। स्पेशल तो छोड़ा, ऐसा लगा कि ट्रेडमैन की हो रही है, क्योंकि ट्रेडमैन में भी ज़्यादा लिया जाता है। इस बार तो इन्होंने ऐसे कर दिया एकदम 10-10, 5-5 बंदे ले रहे और ग्रुप इतने जल्दी जल्दी क्लोज कर रहे थे कि और 300 बंदे में से कुछ तो गिर रहे थे, चक्कर आ रहे थे, पसीना हो रहा था और इस गर्मी में भी दौड़ा रहे और बहुत कम बंदे लिए इन्होंने इस बार। बहुत ज़्यादा कम लिए, इतना तो ट्रेड यूपी वगैरह में भी इससे ज़्यादा लिया जाता है, पर यहाँ तो इस बार पहली वाली भर्ती सही थी। पहली तो बहुत बढ़िया थी, पहले तो अच्छे खासे लड़के अपना वो दे रहे रहते थे, चुनाव कर रहे थे अंदर।
अच्छा देखिए कि जिस प्रकार से लगातार बच्चे कह रहे हैं कि जो ये भर्ती है और जो पहले वाली भर्ती है उस भर्ती को अगर इस भर्ती से कंपेयर करेंगे तो पहली वाली भर्ती बहुत अच्छी हुआ करती थी, 5 मिनट 10 सेकंड में 300 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है और लगभग 10 से 12 या 13 बच्चों को ही उसमें सेलेक्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अग्निवीर के माध्यम से की गई थी और जैसा बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन उल्टा यहाँ पर हो रहा है कि बच्चे और कम से कम यहाँ पर लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अग्निपथ अग्निवीर योजना भर्ती को कहा, और बच्चा कोई दौड़ा है यहाँ पर? कौन सा बच्चा दौड़ा है बता दो, आप दौड़े हैं? आप नहीं दौड़े। तो दोस्तों इन सब बच्चों की हमने राय ली है और एक बार फिर आपको बता दूं कि मीडिया वहां पर अलाउ नहीं है। जिससे पहले जो भर्ती हुआ करती थी वहां पर मीडिया को घुसने की इजाज़त होती थी, मीडिया वहां पर वीडियोग्राफी करती थी और लोगों के लगातार ग्राउंड जीरो से बच्चे जब दौड़ते थे तो वो भी वीडियो मीडिया कवर करती थी, लेकिन इस बार मीडिया में किसी भी व्यक्ति को वहां पर अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई है। 10 से 11 दिन ये भर्ती चलने वाली है और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो कि ये वीडियो है उन लोगों तक पहुँचे जो इस प्रकार की योजना लेकर आए हैं। और जितने भी अनुभव हमने बच्चों से लिए हैं, जो बच्चे दौड़ कर आए हैं, उनका एक स्वर में यही कहना है कि ये भर्ती कहीं से भी, जो पिछली वाली जो भर्ती थी उसके मुकाबले ये भर्ती कहीं से भी सही नहीं। एक बार आप लोग बता दो कि कैसी, जोर से जो बोल के, कि कैसी भर्ती है? ये देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, देखिए मजा नहीं आया इस बार। जो कि अग्निवीर की तैयारी करके आए थे हम, उसमें ऐसा लग रहा था यार कम से कम चांस है हमारे अंदर होने की, उम्मीद थी कि अंदर उम्मीद भरी थी कि हो जाएंगे। बहुत बड़े सरकार ने बहुत बड़े। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है और मेरे चैनल को सदा की तरह दोस्तों सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।